जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। अंकल प्लीज लेट मी नो आंटी इफ आई एम ऑडिबल। अंकल आवाज आ रही है, प्लीज लेट मी नो। जय गुरु जी। ओके मैसेज सुनो। तो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का, और हर पल शुक्राना गुरु जी का। मैं तो गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। कई बार शुक्राना वर्ड भी गुरु जी के लिए बहुत कम है, मेरे लिए शायद पूरी संगत के लिए, क्योंकि शुक्राना एक बहुत छोटा सा वर्ड है जिसमें शुक्राना तो बोल लेते हैं बट इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। बट गुरु जी के लिए तो मुझे लगता है जितना भी बोला जाए उतना कम है। एक गुरु जी ने जितना हमें दिया है, मतलब कहते ना कि मतलब शायद हमारी वो हमारी औकात में भी इतना नहीं था जितना हमें गुरु जी ने दिया है। तो गुरु जी का हर पल इतना शुक्राना कि गुरु जी ने हमें इतना अपने सबसे बड़ा शुक्राना तो ये कि गुरु जी ने मुझे इस लायक संभला कि अपने यहाँ बुलाया, अपने को दर्शन दिए और अपने चरणों में जोड़ रखा है। और मुझे चोला छोड़ने से पहले गुरु जी बोल गए थे कि आंटी डॉक्टर आंटी आप 15 दिन में एक बार। तो बहुत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि उस टाइम तो मैं गुरु जी से बड़ा लिटली में बहस करने लगी। मैंने कहा नहीं गुरु जी 15 दिन में एक बार क्यों बोला आपने। तो गुरु जी ने कहा नहीं डॉक्टर आप 15 दिन में एक बार। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी हम तो हर हफ्ते आएंगे। तो क्योंकि मेरे को बहुत लगा कि मैंने कहा कि अरे ऐसे कैसे गुरु जी ने बोल दिया 15 दिन में एक बार, और हम तो नहीं गुरु जी हम तो हर हफ्ते आएंगे। और गुरु जी ने कहा कि नहीं अब तुम 15 दिन में एक बार आना और अब बच्चे नहीं आएंगे। तो मुझे बहुत अटपटा लगा, मैंने कहा गुरु जी इतने टाइम से तो बच्चों को बुला रखे थे, क्योंकि वह तो सभी जानते हैं कि बच्चे वहाँ अलाउड नहीं होते थे, बट गुरु जी ने मेरे बच्चे अलाउ कर रखे थे। तो जब गुरुजी ने ये बोला कि 15 दिन में एक बार और अब बच्चे नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत टेंस हो गए कि गुरुजी ऐसे कैसे, हम लोग तो हर हफ्ते आएंगे। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है अगर हर हफ्ते आना है ना, तो फिर मेरे हस्बैंड को कहते हैं फिर ठीक है एक बार तू आ तो एक बार तेरी वोटी आएगी अगर हर हफ्ते आना है। तो वो भी गुरुजी ने सॉल्यूशन दे दिया। बट लेकिन हमारा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए 15 डेज में एक बार। तो हम लोग क्या करते थे कि हर हफ्ते जाया करते थे, तो एक दिन मेरे हस्बैंड अंदर जाया करते थे और एक बार फिर मैं जाया करती थी और बच्चे बाहर रहते थे। तो हम लोगों को लगता था कि चलो कोई नहीं एटलीस्ट, और हम जो एम्पायर स्टेट की विंडो है वहाँ से पीछे से गुरुजी के दर्शन कर लिया करते थे चोरी छुपे कि गुरुजी इतना तो आप कर दो कि एटलीस्ट हम आपके इतने दर्शन तो कर सकें, अगर अच्छा आप अंदर नहीं आने दे रहे। लेकिन वो हमें जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया उसके बाद हमें समझ में आया कि गुरुजी हमें क्यों बोल के गए थे, क्योंकि उस टाइम तो हमें नहीं पता था। तो गुरुजी बेसिकली मुझे लगता है उस टाइम सारी संगत को डेज बांट रहे थे या कह रहे थे, और गुरुजी को पता था कि मैं अपने सामने तो बच्चों को ला रहा हूँ और बच्चों को कोई मना भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि गुरुजी ने खुद आज्ञा दी थी इस बात की कि बच्चे आ जाया करें। लेकिन गुरुजी को शायद ये बात पता थी कि गुरुजी ने चोला छोड़ देना है तो मैं भी शायद मतलब बच्चों के लिए मैं बहस करूं कि गुरुजी ने बोला या क्या है, तो गुरुजी ने वो चीज़ पहले ही वो क्लियर कर दी। तो गुरुजी ना आपका हर पल ध्यान रखते हैं, और उस टाइम तो लगता है कि नहीं मतलब गुरुजी मतलब ऐसे कैसे और करके, लेकिन सच में गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी को मैं भी ये कहती हूँ कि हमें आपको भी अगर कोई तकलीफ है या कभी कुछ है तो डेफिनेटली उसको आप ये सोचिए कि जो कुछ कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, आपका सब ठीक ही होगा। वो आपको इतने प्यार से इतने अच्छे से कहते हैं ना फूलों के माफिक मतलब ऐसे निकालेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो अभी गुरुजी का मैं बताती हूँ कि अभी जनवरी के अंदर मुझे एक ड्रीम आया गुरुजी का। तो ड्रीम के अंदर मेरे को ये दिखा गुरुजी का कि मैं बड़े मंदिर में गई हूँ और बड़े मंदिर में गुरुजी थोड़ा सा उदास बैठे हुए हैं। मतलब गुरुजी जैसे नॉर्मली स्माइलिंग फेस रहता था गुरुजी का, वैसा गुरुजी का फेस नहीं है। गुरुजी थोड़ा सा मतलब शांत उसमें कह लो या थोड़ा सा उदास जैसे उस टाइप में गुरुजी बैठे हुए हैं। तो गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ बोला, काफ़ी कुछ बोल रहे हैं मेरे को। और मैं जैसे गुरुजी के एक्चुअली मेरे को होता था कि मैं गुरुजी के मतलब चरण जरूर छूने हैं मेरे को।
मैं जब गुरुजी के पास जाया करती थी तभी मेरा ये बहुत रहता था कि मैं गुरुजी के चरण जरूर छूं, और हमेशा चरण छोटे थे, मतलब वो इतना मेरा रहता था कि गुरुजी का कभी कभी गुरुजी मुझे देख कर ना कभी अपने पैर ऊपर कर लेते थे, लेकिन मैं फिर भी गुरुजी के चरणों को ढूंढ के मैं गुरुजी को हमेशा वो करती थी। तो ये गुरुजी मेरा ना हमेशा चलता रहता था थोड़ा बहुत के, और गुरुजी स्माइल करते रहते थे, उनको पता था कि ये आ गई, ये मेरे चरण जरूर छुएगी, और गुरुजी कभी ऊपर कर लेते थे, मैं मन में कहती थी गुरुजी, फिर गुरुजी फिर कभी चरण नीचे रख लेते थे, कभी ऊपर करते, मतलब एक वो एक एक होता ना, कैसे वर्ड डिस्क्राइब करूं इस वर्ड को, कि मैं गुरुजी और हमारे बीच में चाहिए ना अंदरूनी सब चलता रहता था ये, मतलब तो वो बहुत अच्छा लगता था मुझे कि गुरुजी मुझे लगता था अभी मुझे देखेंगे ना गुरुजी, अभी आपने देखना अपने चरण ऊपर कर लेंगे, तो मैं चरण तो नहीं बोलती थी, मैं पैर बोलती थी उस वक्त, तो दिमाग में पैर आते थे मेरे, सॉरी गुरुजी। तो एनीवे तो वो चीज़ होती रहती थी। तो एनीवेज मैं ड्रीम में भी ना मेरा हमेशा ये रहता है कि जब भी मैं गुरुजी के को देखती हूँ तो हमेशा मुझे ड्रीम में भी लगता है कि मैं गुरुजी के चरण छूने, तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं और मैं गुरुजी के चरण एज यूजुअल छूने गई हूँ। तो जैसे मैं माथा टेकती हूँ और गुरुजी के चरण छूती हूँ मैं, तो गुरुजी ने मुझे कुछ कहा, और ऑब्वियसली गुरुजी इतनी टिपिकल पंजाबी में बोलते थे, कई बार तो समझ भी नहीं आता था कि क्या बोल गए, और गुरुजी ने बड़ी टिपिकल पंजाबी में मुझे बहुत सारी बातें बोली हैं, बहुत सारी बातें बोली गुरुजी ने मेरे को, और आप संगत जी बिलीव करिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे एक अक्षर समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा गुरुजी क्या, तो गुरुजी ने अगेन गुरुजी रिपीटेड द सेम थिंग, अब मेरे को सेकंड टाइम फिर समझ नहीं आया। मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने मतलब मुझे लग रहा था, मैंने कहा क्योंकि गुरुजी इतना कुछ मेरे को बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली लगता ही है ना कि पता तो चले, तो मैं फिर गुरुजी से पूछती हूँ गुरुजी आपने क्या मतलब, तो मेरे को संगत जी फिर समझ नहीं आता। ये मेरा अभी इसी 2020 का जनवरी का ड्रीम है मेरा। तो मैंने वहाँ एक अंकल बैठे होते हैं, तो कई बार हम लोग पहले जब गुरुजी चोले में थे तभी भी हम ऐसे करते थे, अगर सपोज सिस्टर किसी को समझ नहीं आया हम लोगों को तो हम सेवादार अंकल से कुछ पूछ लेते थे। तो वहीं एक सेवादार अंकल बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि अंकल अभी गुरुजी ने मुझे इतना कुछ बोला है और गुरुजी ने क्या बोला, तो कहते हैं आंटी गुरुजी बोल रहे हैं, और गुरुजी का मेरे को थोड़ा सा एक सेंटेंस समझ में आया था जो गुरुजी ने उस टाइम बोला था कि दिखावा बहुत हो गया है। तो मैंने कहा अंकल वो तो गुरुजी ने एक लाइन बोली है, बाकी गुरुजी ने तो बहुत कुछ बोला है, उसके आगे क्या। तो कहते हैं आंटी वो मतलब मेन बेक यही था जो उनका मेरे को निचोड़ मिला उस बात का, कि दिखावा बहुत हो गया है और गुरुजी को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं मन में सोचती हूँ कि गुरुजी, लेकिन मैंने तो कभी इतना बड़ा बड़ा आपका सत्संग या इतने बड़े लेवल, मतलब मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मुझे ही गुरुजी ने क्यों बोला। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मे बी इन जनरल वे भी गुरुजी सेइंग कि दिखावा बहुत हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद ना मैं एकदम से, अभी मैं उनसे पूछ ही रही होती हूँ तो मैं अचानक से देखती हूँ कि वहां पर दो गाय, जिसमें से एक नॉर्मल थोड़ी ब्राउनिश कलर की, ब्राउनिश ब्लैक कलर में है, और एक प्योर वाइट, जैसे नंदी जी का कलर होता है ना, जैसे मतलब प्योर बहुत सुंदर सी गाय है बिल्कुल वाइट कलर में, वो एकदम से मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। जब वो अंदर एंटर करते हैं ना, तो जब मैं वो अंकल से बात कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट पूछ रही हूँ कि गुरुजी ने और क्या बोला, इतनी देर में मेरा ध्यान जाता है कि वो जो दो गाय हैं बेसिकली, तो मतलब मैं उस टाइम तो मेरे को गाय लगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में काउंटर कन्फर्म भी गुरुजी ने कैसे किया कि वो गाय के दर्शन नहीं थे, वो नंदी जी के दर्शन हुए थे मेरे को उस दिन। तो मैं ना भाग के जाती हूँ, मैं भागने लगती हूँ वहां से कि नहीं नहीं ये तो गाय मुझे मार देगी। फिर एकदम से मैं वहां रुक जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि अरे नहीं नहीं ये तो गुरुजी की नंदी है ना, ये मुझे क्यों मारेंगे। तो सोचिए संगत जी, मैं जब ड्रीम के अंदर ही सब सोच रही हूँ कि ये तो गुरुजी की नंदी है, तो इस बात से ये भी मतलब मेरे को मतलब वो तो कैसे प्रूव्ड है ऑलरेडी ये बात को, कि अगर वो नंदी जी हैं और मैं बोल रही हूँ गुरुजी की नंदी जी हैं, तो गुरुजी हमारे भगवान शिव हैं, ये गुरुजी ने क्लियर किया। और उसके बाद मेरे को ये, मैं बड़ा उसके बाद मैं सोचती रही कि ये क्या ड्रीम था, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे दो गाय मंदिर में और ये वो करके। अब सोचिए कि जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ड्रीम ड्रीम नहीं होता, गुरुजी के साक्षात चीजें होती हैं। तो मैं जब नेक्स्ट इस ड्रीम के बाद जो भी हमारा डे था मंदिर जाने का, बड़े मंदिर जाने का, मैं जब वहाँ मंदिर गई तो कहते ड्रीम में चीज़ें वही होती हैं, थोड़ा सा इधर उधर हमारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट आपको चीज़ें डायरेक्ट समझ मतलब मिलती हैं, दिखाई देती हैं, मतलब काउंटर कन्फर्म होती हैं आपको। तो मैं अपनी कार के लिए वहाँ मंदिर के बाहर हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे, तो एकदम से मैंने देखा मेरे पीछे दो गाय आ रही हैं, और संगत जी बिलीव में वही जो मेरे को ड्रीम में दिखाई दिए थे ब्राउनिश ब्लैक कलर में, और आप जानते हो कि वहां पर ये होती हैं दो,
और एक वो पूरा प्योर व्हाइट में, और वो दोनों सेम जैसे को मैं ड्रीम में दिखाई देता हूँ वैसे मेरे मतलब मेरे पीछे पीछे आ रही है और मैं उनसे भाग रही हूँ जैसे ड्रीम में भाग रही थी, और ये मेरे साथ एक्चुअल में हुआ। तो भागते भागते फिर एकदम से मुझे लगा मैंने कहा अरे ये तो ड्रीम में आया तो था, ये तो गुरु जी की नंदी है, ये मुझे थोड़ी कुछ कहेंगी। तो मैं अपना शांत हो जाती हूँ, फिर उनको साइड में हो जाती हूँ, वो जैसे बड़े मंदिर में भी ये मतलब ड्रीम में भी ये हुआ था कि वो साइड से वो निकल जाती हैं, तो यहाँ से मेरे निकल जाती हैं। तो मैं अपने फ्रेंड को ये ड्रीम बता रही थी ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे हुआ। तो मुझे कहती है कि तेरे को नहीं पता कि जो मंदिर के बाहर जो जो दो गाय घूमती हैं और उसमें से जो एक वाइट कलर में है कि लोग हम लोग उसको नंदी बोलते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता था ये बात कि उनको वाकई उनको नंदी तुम लोग नंदी बोलते हो। तो सोचिए कैसे हर चीज़ गुरुजी काउंटर कन्फर्म करते हैं। तो अच्छा उसके बाद मेरे को ये ड्रीम आया जनवरी में, तो मुझे समझ नहीं आया गुरुजी ने कब क्यों कह रहे हैं दिखावा हो गया और इस तरह से करके, और गुरुजी ने बहुत कुछ बोला है। उसके बाद मेरा फरवरी में फरवरी मिड या एंड के बीच में ये बातें मेरे को ड्रीम आता है कि मैं देखती हूँ कि बहुत पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब कुछ बहुत वो हो रहा है, जैसे चीज़ें खराब हो रही हैं बेसिकली, तो बहुत तबाही मच रही है, बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। तो संगत जी वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे बचपन से लेके अब तक नॉर्मली ड्रीम्स का भी गलत नहीं होते, मेरे ड्रीम्स का वाकई कोई मतलब होता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट वेज है, बट बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो देर आर द सेम बेसिकली। तो मैं देखती हूँ कि ये ना बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो मैं ना एक्चुअली वो एक नेस्ट्रोडोम की प्रिडिक्शंस हैं वो बचपन से मैं पढ़ती आ रही हूँ। तो मैंने सोचा मैंने कहा चलो अब तो यूट्यूब पे भी आ गई होगी, मैं देखती हूँ कि मतलब क्या ये डिस्ट्रक्शन क्यों दिखाई दी मुझे इतनी जबरदस्त, पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रक्शन दिखाई दी है बट क्यों दिखाई दी मेरे को ये, तो ऐसा कुछ मतलब होने वाला तो नहीं है ऐसे, क्योंकि इट वॉज वेरी वेरी क्लियर। तो उसके बाद ना मैं क्योंकि वो ड्रीम मैं भूल चुकी थी जो मेरे को आया था डिस्ट्रक्शन वाला, तो पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से कोई एक पास बैक ऑफ द माइंड कुछ घूम रही थी कि नेस्ट्रोडोम की मैं वो देखती हूँ। तो मैंने जब वो यूट्यूब खोला तो जो डिस्ट्रक्शन यूट्यूब के अंदर थी, जिस तरह से वो तबाही थी बेसिकली, ऑलमोस्ट वैसा ही मैंने ड्रीम देखा था अपना। तो एकदम ऑल ओवर सडन मेरे को ध्यान आया कि ये ड्रीम तो मैंने अभी देखा है, और मुझे उस ड्रीम के अंदर ये ध्यान आ रहा है कि मैं गुरुजी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है मैं गुरुजी का मंत्र जाप या गुरुजी जय गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे ड्रीम में बोला था कि जब भी तू किसी कभी प्रॉब्लम में हो तो तीन बार बोलना जय गुरुजी, तो मैं वही रिपीट करती हूँ हमेशा। तो मैंने देखा कि मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरुजी का नाम ले रही हूँ, और उसमें गुरुजी तो मुझे दिखाई नहीं दिए बट लग रहा है कि गुरुजी ही बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ जैसे आकाशवाणी टाइप होती है कुछ करके कि पाठ करो, मैं सिर्फ ये जो नाम है ना यही बचाएगा, ये मुझे ड्रीम था। लेकिन संगत जी मैं आप बिलीव करोगे ये शायद मैं पहली बार अपना इस ड्रीम को एक लाइव बता रही हूँ, क्योंकि वाकई अभी जब चीज़ हो गई, क्योंकि वो ऐसा ड्रीम था, क्योंकि और वाकई देखो अभी सब चीज़ें हो रही हैं कि दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब वो दिखावे की भी कहीं किसी को ज़रूरत नहीं है, सब अपने घर में है। शायद गुरुजी शायद मुझे यही मुझे बताना चाह रहे थे, क्योंकि गुरुजी तो बहुत सिंपल तरीके से हैं कि आपने अब देखो मैंने अपना यहाँ पे एक स्वरूप रखा हुआ है अपने रूम में, मैं सब कुछ यहीं पर अपना पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ है ठीक है, अपना एक अलग जगह भी मैंने गुरुजी की बनाई हुई है, बट ठीक है मतलब घर के लोग भी डिस्टर्ब ना हो ठीक है। गुरुजी तो एक छोटी सी चीज़ों के अंदर ही मतलब आपको एक दिल से मानना है, जैसे उषा आंटी ने भी कहा कि भाई जब उन्होंने ये बात बोली थी कि गुरुजी फोटो तो फोटो होती है और आप हो, तो उनकी डॉक्टर की मैरिज के लिए उन्होंने इनवाइट किया था उनको, तो गुरुजी ने उनको ये बोला था साक्षात रूप में कि नहीं मेरी फोटो फोटो नहीं होती है, जहां मेरी फोटो होती है मैं वहां होता हूं। तो ये गुरुजी का स्वरूप नहीं है, कोई फोटो नहीं है, गुरुजी साक्षात हैं, और आप वाकई इनसे आप बात करके देखिए वाकई आपको आंसर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आपको आपको पता चल जाएगा कि वाकई आपको हाँ इस बात का आंसर मिल गया कि आपने इधर से बस बोला उधर से आपने कहा गुरुजी, मतलब मैं तो वैसे ही मैं ये नहीं कि गुरुजी से मुझे कुछ मांगना होता है या मैं कुछ मांगती हूँ, गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगती, क्योंकि जब डे वन मुझे गुरुजी ने मेरे को इतनी बार बोला कि होर दस तनु की चाहता है संगत जी मैंने तो उस दिन भी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा सिवाय ब्लेसिंग्स के, बट ये जरूर रिग्रेट होता है कि मैंने गुरुजी से काश गुरुजी को मांग लिया होता या और गुरुजी की भक्ति मांग ली होती, बट चलो जो गुरुजी ने दिया मैं तो कहती हूँ कि जो इतना भी मेरे से पूछ लिया ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस रब का भगवान महाशिव का मेरे से ये पूछना कि होर दस तनु की चाहता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो इनफैक्ट हम सभी आपको पता कि जो मेरे एज ग्रुप के हम लोग बहुत कहानियाँ पढ़ते थे और हम लोग महाभारत और ये लोग तो हम लोग रामायण तो बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है, तो हर किसी उसके अंदर आपने देखा होगा कि हर किसी के गुरु होते हैं, हर किसी के गुरु। तो जब मैं वो पढ़ती थी ना तो मुझे लगता था कि मेरे गुरु क्यों नहीं है, भगवान कृष्ण जी आपके भी गुरु हैं, श्री राम जी आपके भी गुरु, सबके गुरु हैं, मेरे गुरु क्यों नहीं है,
और फिर जब मैं साईं बाबा का जब मैंने सुना था तो मेरे को लगता था ओहो अभी तो 1916 में गए हैं, वो थोड़ा सा और लेट आ जाते या मैं तब पैदा हो जाती, मुझे कम से कम साईं बाबा के दर्शन तो होते। मतलब मैं कुछ उस युग के अंदर आती जब मुझे इन लोगों के दर्शन होते या मुझे पता तो होता इन लोगों के बारे में, मैं इनको देख तो पाती, तो ये मैं बड़ा सोचती थी। तो मैं भगवान से बोलती थी कि नहीं आपने ना मतलब ये चीज़ गलत हो गई है, मतलब कि मेरे को भी ना मेरे को गुरु मिलने चाहिए थे। तो सोचिए संगत जी शायद वो मेरी पूजा पाठ का नतीजा है, वो मैंने शायद इतना क्योंकि आई एम सो रिलीजियस, मैं बचपन से ही बहुत पूजा पाठ बहुत व्रत ये सब बहुत रखती आई हूँ, और फिर विदाउट एनी रीज़न, मतलब कोई रीज़न नहीं होता था, बस मुझे अच्छा लगता था कि भाई फास्ट रखना है, अच्छा भगवान के लिए है ना तो भगवान के लिए मुझे ये काम करना है, भगवान के लिए मुझे ये काम करना है। बट यूज़ टू बी वेरी सिंपल, मुझे कोई बहुत तड़क वो ऐसा कुछ नहीं करना कि मुझे सिंपल अपना एक फोटोग्राफ लगाई अपना ठीक है अपना व्रत रखना है तो रखना है बस इस तरह से। तो शायद ये उसी चीज़ का नतीजा है सारे भगवानों की, जो माता रानी की मैंने इतनी पूजा पाठ की कि उन्होंने मेरे को एक मेरे गुरु जी मतलब दिए, और सच में और वो गुरु दिए तो खुद एक भगवान का रूप है। मतलब सच में मतलब मैं ना एक बहुत अजीब सी बात मतलब मुझे कई बार लगती है मैं गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी आप तो गुरुजी आप तो भगवान निकले, मतलब मैं हंसपड़ी में क्या बोल रही हूँ कि आप तो भगवान निकले, और मैंने आपको उस वक्त क्यों नहीं पहचाना जब मैं आपकी मतलब मैं आया करती थी आपके पास। वैसे तो संगत जी मैंने तो क्या आई थिंक किसी ने भी नहीं पहचाना, हम लोगों ने गुरुजी को गुरुजी ने हमें दिखाया कि वो रब है, उसके बाद हम लोग नहीं मान पाए कि वो रब है। और शायद वो गुरुजी की मर्जी थी क्योंकि वो हमेशा पर्दा डाल देते थे। अब देखिए मेरे हस्बैंड को जैसे मैं जैसे गुरु से जुड़ी थी वो तो सबको पता ही, फिर भी मैं उसका शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे मैं पाल आंटी ने हम लोगों को हमें वहाँ भेजा था गुरुजी के पास। मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हो गई थी और मैं वहाँ पहुंची थी, तो मेरे हस्बैंड जब वहाँ पे पहुंचे तो एकदम से मुझे कहते हैं चल उठ यहाँ से ही, एंड ही वॉज वेरी लाउड। तो बस मुझे ये था कि किस तरह चाय प्रसाद आ जाए उनके लिए, प्रसाद तो मैंने सिर्फ चाय बोला, मैं गुरु जी चाय आ जाए इनके लिए, गुरु जी अपने सिंहासन में विराजमान है और हस्बैंड मेरे को आके इतना गुस्सा करें कि चल उठ यहाँ से। तो मैं अपना खैरानी हुई गुरु जी ने जोड़ना था इनको और मुझे, तो एकदम चाय प्रसाद आ गई। तो खैर मेरे हस्बैंड ने चाय प्रसाद ली, चाय प्रसाद वो ले रहे थे तो गुरुजी को लेटली घूरते जा रहे थे और गुरुजी इनको देखते जा रहे थे। तो आज ही मेरे हस्बैंड ही कहते हैं कि नीलम वो जो मैं गुरुजी को इस तरह देख पा रहा था वो शायद गुरुजी ने ही उनको दिव्य दृष्टि दी थी, ये तो इस तरह से देख नहीं रहे थे संगत जी, वो घूर रहे थे मेरे हस्बैंड मतलब एक दूसरे को, गुरुजी भी इनको और ये भी गुरुजी को। और आज भी ये कहते हैं कि नीलम कैसे मैं देख पा रहा था मैं गुरुजी को इस तरह से लिटरली मतलब नॉन स्टॉप कंटिन्यूस। तो इतनी देर में क्या हुआ कि कोई संगत आई थी, संगत ने गुरुजी के माथा टेका तो हस्बैंड और गुरुजी का थोड़ा ध्यान बटा। तो जैसे हम लोग होते हैं चाय पीते पीते थोड़ा नॉर्मली आइस क्लोज कर लेते हैं, तो वही हस्बैंड ने शायद उस टाइम ऐसा किया होगा। तो वो कहते हैं कि मतलब मैंने वो उन्होंने मुझे बाद में बताया, तो वो क्या देखते हैं वहाँ पर कि वहाँ कोई एम्पायर स्टेट नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ गुरुजी जो है जितना ही जो हमारा यूनिवर्स है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ही इज़ अ फॉरेंसिक पर्सन, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, और उन लोगों में से जो बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से, वो तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था क्योंकि हमें 2000 से मैसेज आ रहा था कि गुरुजी के जाना है हमें पाल आंटी, 2000 से ऑलमोस्ट 99 या 2000 से मैं बोल रही थी कि गुरुजी के पास जाना है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया था कि मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो सोचिए हमने ऑलमोस्ट 4 साल लगा दिया वहाँ पहुँचने में, बट गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी आपने बुला लिया हमें, गुरुजी ने तो खैर बहुत पहले बुलाया था, हमने 4 साल खराब कर दिए। एनीवे तो हस्बैंड क्या देखते हैं वहां पर कि वहां कोई अंपायर स्टेट नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई संगत नहीं बैठी, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं बैठा हुआ वहां पे। जितना हमारा ये यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स के ऊपर गुरुजी विराजमान है। और मेरे हस्बैंड एकदम देख के चौंक गए कि ये वो क्या देख रहे हैं। और उन्होंने देखा कि जितनी भी आकाश गंगा है, जितनी भी आप समझते हैं गैलेक्सीज है हमारी, तो जितनी ये आकाश गंगा है, तो सोचिए वो गुरुजी के आसपास घूम रही हैं। गुरुजी यूनिवर्स के ऊपर विराजमान है और जितनी गैलेक्सीज हैं वो सब गुरुजी के आसपास ऐसे घूम रही हैं। और मेरे हस्बैंड तो एकदम चौंक के ना एकदम से मतलब वो हो गए कि ये उन्होंने क्या देखा। एकदम से देखा तो गुरुजी सामने बैठे थे और गुरुजी वाज स्माइलिंग। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत वो हो गए कि ये क्या चीज़ है। तो उनको लगा कि ये कोई साधारण इंसान तो नहीं है, है तो कोई महापुरुष। चलो मैं बैठ जाता हूँ, इस तरह से वो बैठ गए वहाँ पे। और इस तरीके से मतलब वो आए तो इस चक्कर में थे कि मैं अपने बेर बीवी बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए, किसी बाबा के चक्कर में फंस गए हैं। तो आए तो मेरे को बाबा से छुड़ाने में थे,
और आज उस बाबा के चक्कर में खुद ही फंस गए हैं। मतलब वो इतना मेरे से ज्यादा उनको बिलीव हो गया है, और खैर हम सभी बिलीव करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई, और कैसे मेरे हस्बैंड को, तो जब गुरुजी ने जोड़ना होता है ना संगत जी, तो सोचिए डे वन ही गुरुजी ने दिखा दिया कि वो क्या है, ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, क्योंकि वहीं और वहां बैठे बैठे दिखा दिया। ऐसा नहीं था कि इनको मेरे हस्बैंड को ड्रीम आया है या कहीं से सुना हो या कुछ हो, वहीं अंपायर स्टेट में बैठे बैठे उन्होंने दिखा दिया कि देख कि मैं इस सुप्रीम का, मतलब जो इस यूनिवर्स का मालिक हूं मैं। तो संगत जी, गुरु जी जाने जाने वो आपकी हर पल की खबर रखते हैं। और सोचिए ना आप सोचिए, इतने पुराने पुराने आप सत्संग सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, कितनी पुरानी संगत के सुन रही हूँ, उन्होंने हर किसी का ख्याल रखा हुआ था, हर किसी से इतना प्यार, हर किसी से इतनी बातें। तो सोचिए, क्योंकि वो रब है, वो भगवान है, इसीलिए उनके उनके पास तो कोई वो ही नहीं है ना, मतलब सब कुछ उनके अंदर ही है। तो उन पे पूरा विश्वास रखिए, और हर छोटी छोटी बातें वो आपकी जानते हैं, हर सिर्फ एक उन पे विश्वास रखने की बात है। एक बार जब गुरुजी का बर्थडे था 2004 में, तो हंसराज हंसी वहां पर आए हुए थे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी एक लाइन बोली थी कि वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। संगीत आप ध्यान से सुनिए, वो पीर ही क्या इसको पीड़ का पता ना हो, यानी वो पीर ही क्या इसको पीड़, मतलब पीड़ा, इसको पीड़ का पता ही ना हो। कि जब आप माथा टेकते हो ना उसके दर पे, तो उसकी आपकी इस पीड़ा का उसको वैसे ही पता चल जाता है। तो गुरुजी को तो वैसे सब कुछ पता है, क्योंकि आप तकलीफ में हो तभी तो वो आपको बुला रहे हैं। गुरुजी कहा भी करते थे कि, और इसीलिए पुरानी संगत जो है जितने भी हैं, आपने सुना भी होगा सबसे, कि ये बहुत बोलते थे कि और संगत लेकर आओ, मैं उनको ब्लेस करूंगा। तो जब मुझे भी ये बात बोली थी गुरुजी ने कि अपनी सहेलियों को लेकर आना, अपनी सहेलियों को लेकर आना, और हस्बैंड को बोला अपने फ्रेंड को लेकर आना, और मेरे को बोला अपने पेशेंट्स को लेकर आना, कोई पेशेंट तुम्हारा प्रॉब्लम ही होगा तो मैं उसको ब्लेस करूंगा। तो गुरुजी ने, तो मुझे एक फॉर ऑफ थॉट ये लगा कि मैं सुनती भी थी कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं कि इसको लेकर आना, मतलब वो ये कि भाई अपना वो करने के लिए। बट सॉरी गुरुजी, ऐसा नहीं था, क्योंकि आपने तो, आप चाहते थे, ऑल दो गुरुजी कभी सोशल मीडिया के थ्रू कभी नहीं आना चाहते थे, कभी कुछ नहीं, लेकिन वो चाहते थे कि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ जितने लोग लेकर आ सके। बहुत लोगों, कितने लोगों को बोला, कितने लोगों ने लोगों को जोड़ा भी, लेकिन वही लोग गुरुजी से जुड़ पाए हैं कि जो, जिनको गुरुजी वाकई कहते ना कि पहली बात तो आपके कर्म कितने अच्छे हैं, जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं, एक तो वो जुड़ पाए, और दूसरा जो गुरुजी जिनको चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो शायद उन्होंने उस टाइम गुरुजी के दर्शन भी किए हैं, जो शायद आज भी कनेक्टेड नहीं है। बहुत लोग शायद ऐसे हैं, वो शायद उनके अपने कर्म, मैं किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलूंगी कि भाई किसका क्या है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबका अपना अपना चीज़ें हैं। तो अब गुरुजी देखो आपका हर पल कैसे सुनते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि मैं ना ये बड़ा सुनती थी लोगों के, कि लोगों ने मोर देखा है, और अगर मोर देखा है तो गुरुजी के दर्शन हो गए, मतलब आप समझो कि इस तरह से हो गया। तो ये एक कोई वो नहीं है, आप सोच रहे हो कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि मतलब इसके बिना मेरा गुजारा नहीं चलेगा, कि मैं मोर नहीं देखूंगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। बट मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी कैसे अपना रियलाइजेशन दिलाते हैं। जैसे कई लोगों को मैंने सुना है कि रघुबीर अंकल ने बोला कि जैसे अगर बटरफ्लाई आपने देख ली है तो इसका मतलब गुरुजी का आप वो देख रहे हो। तो ये बेसिकली आपको गुरुजी बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो आई एम विद यू। तो अब मैं ना ऐसे मेरे पता नहीं क्यों ऑल ऑफ द माइंड, पता नहीं कहाँ से दिमाग में थॉट आया कि कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि मेरे घर में मोर आया हो, कितने लोगों का मैं देखती हूँ मोर आया। तो सोचिए संगत जी, हम लोग यहाँ लोधी रोड रहते हैं, साईं बाबा मंदिर है उसके पास, आप अगर उस एरिया को जानते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो उस एरिया सेंट्रली लोकेटेड एरिया है, यहाँ आसपास कोई ऐसा वो भी नहीं, कोई हिली एरिया हो या ऐसा कुछ हो कि मोर आ जाए। तो सोचिए कि मैं अभी जिस दिन मैंने सोचा है उसके अगले दिन मैं देख रही हूँ कि मेरे लॉन के अंदर मोर है, और मैं मतलब लिटरली हाथ जोड़े मैंने कहा गुरु जी बहुत शुक्राना कि ऑल ऑफ सडन मोर कहाँ से आ सकता है। वो लॉन के अंदर रहा, थोड़ी देर रहा, हम लोगों ने वीडियो बनाई उसकी जस्ट फॉर अ मेमोरी की, देखो गुरुजी को मैंने ये चीज़ बोली और वो मोर हमारे लॉन में है, लेकिन वो कहाँ से आया, कैसे आया और वो कहाँ चला गया ये भी नहीं पता। और बहुत शुक्राना गुरु की छोटी 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 चीज़ों को आप कैसे सुन लेते हो। और जैसे गुरुजी का मतलब एक बार मुझे याद है गुरुजी का ना जो मोर वाली बात का, कि हमारा अपना घर है DLF के अंदर, तो वहाँ भी ऐसी ये चीज़ हुई कि मेरे हस्बैंड कहते हैं ना वहाँ बड़े मोर आते हैं। मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि मोर आते हैं, और मैं उस दिन गई हूँ और इतने मोर दिखाई दिए
तो बेसिकली ये एक गुरुजी आपको बताते हैं कि भाई आई एम विद यू, वैसे तो वो हमेशा ही आपके साथ हैं। ये लोग हम लोग थोड़ा सा टेस्टिंग वेस्टिंग शुरू हो जाती है ना कि गुरुजी अच्छा आप हमारे साथ में हो, आपको ये चीज़ पता भी है, आपको ये भी है। तो ऐसे मैं बताती हूँ कि जैसे मैं एकदम से मुझे एकदम यही चीज़ याद आ गई कि गुरुजी को पता भी है। कि एक बार क्या हुआ कि मैं जब गुरुजी को माथा टेकने जा रही थी तो मैं ना उस टाइम गुरुजी से जुड़ते हो गए थे हम लोग, लेकिन फिर भी मन में डाउट रहता है ना हमारे कि गुरुजी को सब कुछ पता भी रहता है कि नहीं रहता। तो मैंने कहा गुरुजी ना सारा कुछ तो मेरे से पूछ सब, गुरुजी ने डे वन तो मुझे सब कुछ पूछ लिया, कहाँ क्या करती है, कितने बच्चे हैं, कहाँ क्लिनिक है, कौन से हॉस्पिटल में, सब कुछ पूछ लिया। तो गुरुजी ने आज तक मेरे बारे में ऐसा तो कुछ बताया नहीं जो मेरे से कभी पूछा ही नहीं हो गुरुजी ने। और सोचे संगत जी मैं एम्पायर स्टेट में जा रही हूँ अंदर और गुरुजी के पास माथा टेकने के लिए, और ये सोचती हुई जा रही हूँ कि गुरुजी ना सब तो कभी मेरे को कुछ बोला ही नहीं कभी ऐसा कि कुछ बताया हो मेरे को। तो एकदम जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं तो फिर तो होर दस तू मौलाना आजाद से है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, एक्चुअली मौलाना आजाद मेडिकल मेरे कॉलेज का नाम है। तो अब मौलाना आजाद बोलना, अब गुरुजी को कभी कॉलेज का नाम तो पूछा ही नहीं, और सोची मेरे कॉलेज का नाम बता देना, गुरुजी को कैसे पता मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से हूँ। तो इट्स अ बिग थिंग कि एक कितने दुनिया में कितने कॉलेज है, पूरे वर्ल्ड में मैं कहीं से ही पढ़कर आ सकती थी, कहीं से भी कुछ हो सकता था, बट मैं उस कॉलेज की हूँ, मतलब गुरुजी को। तो मैंने उस दिन कान पकड़े, मैं कान पकड़ती लिटली बाहर आई, मन में बोलती आई और गुरुजी ने कुछ नहीं कहा मुझे, मैं कान पकड़ती आई, मैं कहा गुरुजी आज के बाद आप पे कभी शक नहीं करूँगी। तो बहुत सॉरी गुरुजी मैंने उस दिन आपके ऊपर शक किया, हालांकि वो शक नहीं था लेकिन थोड़ा मैं नई थी, मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन हमारे इफेंट बर्ड्स हमारे रहते हैं, लेकिन गुरुजी हम तो इतने प्यारे हैं, हमारे इतने अच्छे हैं कि गुरुजी फिर भी हमारे माफ़ करते रहते हैं और वो सिर्फ स्माइल करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि मतलब ज़्यादा ना सोचा मत कर। आज का भी मेरे पास एक सुविचार आया कि ज़्यादा सोचा मत कर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ हर बात में। ऐसे गुरुजी का बहुत रहता था, गुरुजी ने हमें वहमों से बहुत दूर किया। गुरुजी ने कभी इस चीज़ को कभी एनकरेज नहीं किया कि आप रिंग पहनो, क्योंकि मैं डे वन जब गुरुजी ने मेरे को देखा था और मैंने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो पा रही थी, तो हमने एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत सारी रिंग पहना दी थी। तो गुरुजी ने पहले दिन हमें बोला था कि रिंग उतार दो, तो रिंग उतार के आना। तो मैं बहुत खुश हुई कि एक तो रिंग उतारने के लिए बोला, फिर गुरुजी ने ये भी कहा आना, इसका मतलब गुरुजी चाहते कि हम अगली बार आएं। तो मैंने कहा गुरुजी वो सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही है, कहते हाँ हाँ उसको भी अगले हफ्ते आना। तो गुरुजी ने फिर हमारा इस तरह से शुरू कर दिया। तो गुरुजी ने बेसिकली कोई वहम नहीं रखा। फिर क्या हुआ कि एक बार एस्ट्रोलॉजर ने ना मेरे को जब देखा तो उन्होंने कहा भी आपने रिंग नहीं पहन रखी है। तो मैंने कहा, तो मैंने उनको बहाना लगाया कि मेरे को मेरे नेल्स मतलब सॉरी फिंगर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने इसको उतार दिया ऐसा कुछ था। तो अब ना वो कहने लगे अरे नहीं नहीं इसको रिंग्स को उतारो मत, अगर आपने रिंग्स उतार दी ना आपकी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो रिंग्स नहीं उतारनी आपने। तो मैं ना कहते हैं कि आप तो बल्कि इसका एक्टिवेटर भी पहन लोगे ना तो भी आपको बहुत फायदा होगा। और हमने काफ़ी लोगों को दिखाया ये चीज़, यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर ने सबने हमें वही सेम चीज़ बोली कि नहीं नहीं आपको ये पहननी बहुत ज़रूरी है, अगर आपने रिंग्स नहीं पहनी तो पता नहीं आपका क्या हो जाएगा। तो मैं बड़ी हैरान, मैं बड़ी मतलब मैंने कहा अरे ये मतलब कह रहे हैं। तो सोचिए उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा बोल दिया था सबने कि रिंग्स पहननी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं फिर गुरुजी के पास गई एक दिन, तो मैंने कहा गुरुजी वो जो एस्ट्रोलॉजर है ना वो तो कह रहे हैं कि रिंग पहननी चाहिए। सोचिए मेरे को गुरुजी मना कर चुके हैं और इतनी समझ नहीं थी ना, मतलब सच में हम तो मैं कहूँगी यूज टू बी सो स्टूपिड कि गुरुजी, फिर जाके मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी वो ना वो तो बोल रहे हैं कि भाई अगर आप ये पहन लोगे ना रिंग पहनोगे और इसको वो करोगे तो आपको ना और अच्छा हो जाएगा। तो गुरुजी मैं और रिंग पहन लूँ क्या? मतलब मेरे को मतलब आज लगता है कि मैं कैसे गुरुजी से बात कर पा रही थी, पूछ पा रही थी। एक बार गुरुजी ने मना कर दिया, पर सोची गुरुजी इतने प्यारे हैं, मतलब गुरुजी ने मेरे को कहा ऐसे देखा, ऐसे लुक दी मेरे को और कहते हैं, और मैं गुरुजी की लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी थी जो गुरुजी का सिंहासन उसके बिल्कुल साइड में, क्योंकि और संगत खड़ी थी। तो मैं पूछ रही गुरुजी प्लीज बताओ ना मैं रिंग का क्या करूँ। सोचिए पीछे पड़, मैं गुरुजी के पीछे पड़ी हुई हूँ, गुरुजी रिंग पहननी है। तो वो तो ऐसे बोल रहे हैं, फिर गुरुजी मना करें, नहीं नहीं मना कर दिया ना, नहीं नहीं गुरुजी वो तो ऐसे बोल रहे हैं ना मेरे को रिंग पहननी है। तो सोचिए मैं मतलब मुझे आज लगता है मैं गुरुजी से कैसे बहस कर पाती थी। वो सच में गुरुजी से आई एम रियली वेरी सॉरी, मतलब उस टाइम लेकिन मैं बहुत ही शायद नादान थी, मेरे को सच में अक्ल नहीं थी आपसे बात करने की। तो ना गुरुजी एकदम से मेरे को बड़ी ऐसी लुक दी मेरे को और कहते हैं उस एस्ट्रोलॉजर को बोल दे दफाओ यहाँ से। तो जब गुरुजी ने इतनी थोड़ा सा बोला ना थोड़ा जोर देके कि उस एस्ट्रोलॉजर को दफाओ यहाँ से नहीं पहननी, सोचिए मेरे को कितनी बार गुरुजी ने कहा। और लेकिन गुरुजी बहुत प्यार से मतलब रखते थे, मतलब
ठीक है, मेरे को नहीं डांटा, मतलब एस्ट्रोलॉजर की डांट मारी कि उसको बोल के दफा हो यहाँ से। तो खैर नहीं हुई, मैंने कहा ओके गुरु जी। फिर उस दिन के बाद तो मतलब ही नहीं कि मैं रिंग्स पहन लूँ या ऐसा कुछ वो हो जाए। उसके बाद गुरु जी हमेशा हर चीज़ का आपको जवाब देते हैं। कि एक बार मेरे को मन में आया कि जैसे नवरात्रि आते हैं तो प्याज लोग नहीं खाते हैं, तो प्याज मेरे को भी लगता था कि भाई प्याज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब कुछ भी समझ नहीं आता कई बार। तो मैंने कहा चलो एक काम करूँगी, मैं आज शाम को जा रही हूँ, मैं गुरुजी से पूछ ही लेती हूँ कि गुरुजी ये ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोग अगर घर में अगर मैंने फास्ट रखा है उस टाइम प्याज वाला खाना, क्योंकि अब बिना प्याज का खाना बनाओ तो बच्चे थोड़ा वो करते हैं कि भाई स्वाद नहीं आ रहा, और वो करके हर बार का ये वो होता है। तो मैंने सोचा मैंने चलो आज मैं गुरुजी से पूछ लूंगी कि गुरुजी प्याज खा सकते हैं नहीं खा सकते। तो सोचिए गुरुजी आपके मन की हर बात जानते हैं कि आप क्या पूछने जा रहे हो, और आपको उनका जवाब देने का तरीका कितना प्यारा होता है। कि जिस टाइम हम लोग वहाँ लंगर करने बैठे, तो मैंने अभी गुरुजी से कुछ पूछा ही नहीं था, मैं क्योंकि हम लोग लंगर के बाद कुछ भी बात हो रही थी लंगर के बाद पूछते थे। तो मैं कहा चलो पहले लंगर मैं खा लेती हूँ, मैं लंगर खाने के बाद मैं गुरुजी से पूछ लेती हूँ कि गुरुजी प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए नवरात्रों में। तो सोचिए वहाँ गुरुजी के हमें लेफ्ट हैंड साइड पर जो लंगर करने का मौका मिला, ज़्यादातर वहीं मिलता था। तो जैसे हम लंगर करने बैठे हैं तो देखा उस दिन नॉर्मली कभी भी लंगर के अंदर उससे पहले कभी नहीं हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ कि प्याज का प्रसाद यानी प्याज का सलाद, ओनली प्याज उस दिन वो था, और नवरात्र चल रहे थे। और आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग, और मुझे आई गॉट माय आंसर कि गुरुजी आपने तो आंसर कर दिया कि आप मतलब सोचिए प्याज का सलाद जब मेरे को लंगर में मिल रहा है तो क्या कौन सा वहम, हमें कोई इसको वहमों में तो पढ़ना ही नहीं है ना हम लोगों को। फिर तो इस तरह से गुरुजी ने मेरा ये डाउट भी क्लियर किया कि कोई वहम में मत पड़ो। ऐसे ही मेरे को मैं दिवाली वाले दिन जैसे मैं गुरुजी अपना एक ब्लैक कलर गोल्डन कलर का कुछ ड्रेस मैंने पहन लिया था, वो शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो मैं वहमों की बात बता रही हूँ कि गुरुजी ने हमें कभी वहमों में से दूर रखा है हमेशा। तो वो जब ब्लैक और गोल्डन में पहन के चली गई तो मुझे ये लग रहा था कि ओहो ये तो मैंने कौन से कलर के कपड़े पहन लिए, मेरी मदर इन लॉ भी मना करती कि दिवाली का दिन है और ये कपड़े क्यों पहन, मतलब इस तरह के कपड़े क्यों पहन लिए। मैं अंपायर शेड गई क्योंकि वहाँ उस दिन दिवाली सेलिब्रेट हो रही थी। तो अब मुझे लग रहा था, मैं वहाँ पे जब पहुँची तो देखा तो सारे लोग बड़े कलरफुल कपड़ों में बैठे हुए थे, बहुत कलरफुल कपड़े थे, और मुझे लग रहा था देखो मैं ही काले कपड़ों में आ गई हूँ, और मतलब सारे के सारे इतने कलरफुल कपड़ों में। और अगर मुझे किसी ने टोक दिया ना कि आंटी बताओ ये आपका त्यौहार वाले दिन कोई काले कपड़े पहनता है, तो मेरे को ना बहुत अटपटा लगा कि नहीं मुझे ना थोड़ा सा दूसरे कपड़े पहन के आना चाहिए, ब्लैक और गोल्डन, और ब्लैक उसमें ज़्यादा था एक्चुअली, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो मेरे को बहुत मन था उस दिन पहनने का कि गुरुजी कहाँ तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते तो मैं भी ये पहन लेती हूँ, बट वो ब्लैक कलर था तो थोड़ा सा मुझे वो लगा। अब सोचिए संगत जी हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं कि, और मैं वहाँ ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई मैचिंग मिल जाए, मुझे कोई मैचिंग मिल जाए गुरुजी की, गुरुजी मतलब किसी से कोई मैचिंग मेरे कपड़ों में। तो जैसे ही मैं अंदर गई एम्पायर स्टेट में, जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, तो कैन यू इमेजिन कि जो मेरे ड्रेस था, मतलब मेरा जो ब्लैक और गोल्डन ड्रेस था, गुरुजी का भी वही सेम चोला गुरुजी ने पहना हुआ था। तो सोचिए कि मैं किससे मैच कर रही हूँ, मैं गुरुजी से मैच कर रही थी उस दिन, मेरे कपड़े मैच कर रहे थे मतलब। तो कैसे गुरुजी ने कहा कि ये सोचती हुई आएगी इसने आज कपड़े ये वाला पहना हुआ है, और ये शायद एक और आंटी के साथ ऐसा हुआ था कि आंटी ने वो कुछ पिंक कलर का बहुत, वो कहती है बहुत गंदा सा पिंक कलर था, और वो पहन के चली तो गई, वो कहती है कि मुझे लग रहा था बस पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। और जब वो वहाँ पहुँची हैं तो सेम जो आंटी ने पहने थे कलर, वही सेम शर्ट या चोला, मुझे याद नहीं कहता, और तब उन्होंने सेम गुरुजी ने वो पहना हुआ था। तो जब वो सुना रही थी तभी मुझे ये वाला याद आया कि अरे मेरे साथ भी सेम ऐसा हो चुका है कि हाँ गुरुजी ने मतलब। तो गुरुजी तो आपका हर चीज़ आपको वो रखते हैं कि किसी को आपको कहने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि किसी की हिम्मत थोड़ी सी उस टाइम बोलने की, जब गुरुजी ने खुद ब्लैक पहन रखा था मुझे कोई ब्लैक के लिए कैसे बोल सकता था। तो गुरुजी हमेशा आपकी इज्जत बरकरार रखते हैं, आपका हर चीज़ आपको रखते हैं, और आपकी हर वक्त आपको, आपका कहते हैं ना हर पल आपका ध्यान रखते हैं। और एक बार ऐसे हुआ कि हम लोग क्या था कि डुगरी से आ रहे थे वापस, तो डुगरी से जब आ रहे थे तो मैं ये अभी मैं नवराज अंकल का कुछ सुन रही थी, तो उससे मेरे को याद आया, हालांकि एक बार पहले मैंने भी रिपीट किया भी था ये, तो अचानक से मुझे भी ध्यान आया कि कैसे गुरुजी आपका ध्यान रखते हैं उसकी बात बता रही हूँ मैं। तो जब गुरुजी हम लोग डुगरी से जब आ रहे थे तो अचानक हम लोगों ने देखा कि पीछे आगे से ना वो जो ये स्पीड वाले होते हैं, स्पीडोमीटर वाले, ये लोग खड़े होते हैं वहाँ पर।
और जो थी हमारी गाड़ी जो मतलब क्योंकि पहले तो आप क्रॉस करते हो ना, वो तो आगे खड़े होते हैं, तो हस्बैंड ने देखा कि जहाँ वो स्पीडोमीटर लगा था उन्होंने वो हाई स्पीड पे क्रॉस कर लिया था अपना, हमारी गाड़ी क्रॉस हो गई थी। तो हस्बैंड कहते हैं नीलम आज तो गड़बड़ हो गई, आज तो मैंने मतलब ध्यान नहीं किया मैंने, नॉर्मली तो मैं बहुत ध्यान से चलाते हैं वो गाड़ी, लेकिन ये ना मैंने तो कर लिया और अब देखो अब आगे मेरे को हम लोग पकड़ेंगे अब। तो मैंने कहा अब गलती की है तो मतलब कोई बात नहीं, अब देखेंगे अब जो होगा देखा जाएगा। अब डुगरी से आ रहे थे हम लोग तो मन में वो था कि चलो वैसे तो गुरुजी देखेंगे सारा कुछ करते हैं। अब हुआ क्या कि जब हम लोग निकल रहे थे तो हस्बैंड ने एकदम से कहा कि नहीं नीलम मुझे एक्चुअली वो टेंशन नहीं है कि वो पकड़ेंगे या क्या है, वो तो खैर मैं अपना रेफरेंस दूंगा या मतलब कोई बात नहीं, मतलब क्योंकि डॉक्टर हैं तो एक बार को मे भी शायद थोड़ा सा वो रियायत दे दें कुछ भी कर दें, बात वो नहीं है, उस बात की नहीं है। मेन दिक्कत यह है कि मैं जब अभी चेक कर रहा था तो उसमें गाड़ी लाइसेंस ही नहीं है गाड़ी का, वो पेपर्स होते हैं लाइसेंस होता है वही नहीं है एक्चुअली। तो सोचिए कि जब गाड़ी का पेपर्स नहीं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, वो शायद बाइसेंस जो पाउच था वो घर भूल गए थे, वट एवर जो भी रीज़न रहा, लाइसेंस जो भी घर कैसे भूला है। तो कहते हैं सोचो हाईवे पे हम गाड़ी चला रहे हैं और मैंने तो अभी आते हुए चेक किया है क्योंकि, और अब अगर उन्होंने करा तो मेन गड़बड़ वो होगा कि बिना पेपर्स के, आपको पता है बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना तो बहुत गलत है। और मैंने कहा अरे ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी, बच्चे छोटे हैं, मतलब समझ रहे मतलब एक तो आप शाम का टाइम वैसे होने वाला है, और बहुत लगा मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मतलब अब आप ही देखो, मतलब एक ही नहीं मतलब सिर्फ गुरुजी एक नाम हम लोग लेते हैं बस। तो सोचिए संगत जी बस हम गुरुजी को भी याद करें, और आपको पता है स्पीडोमीटर से लेकर जो आगे पुलिस खड़ी होती है वो कितनी बहुत ज़्यादा दूर उनका वो नहीं होता है। तो उसमें अचानक से देखिए अभी हमारे आगे कोई भी नहीं था, ठीक है, हम लोग जैसे स्पीड से चल रहे थे, अचानक से हमारे आगे एक बड़ा सा कुछ, एक बहुत बड़ा सा ट्रक या कुछ मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन कुछ था मतलब वो बट वो बड़ा स्लो स्पीड पे चल रहा था, ठीक है। इधर से कोई ऑटो आ गया, मतलब हमारी गाड़ी को आगे से पीछे से इधर से जैसे ना चारों तरफ से मतलब किसी ने कवर कर लिया हो, और क्योंकि वो हमारी गाड़ी कवरेज में आ गई, मतलब धीरे धीरे वो चल रहे थे और क्योंकि वो स्लो अपना स्लो स्पीड नॉर्मल चल रहे थे तो वो संभव हमारी गाड़ी उनको दिखी नहीं, या क्योंकि गुरुजी ने और चार गाड़ियां भेजी हमारी पूरी हमारे पूरा कवर करने के लिए। तो सोचिए किस तरह से हम लोग आगे वो चीज़ निकल गए। तो सच में गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि आप सोचिए कि ऐसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, आप भी सोचते हैं वो बिल्कुल किसी को ऐसे छोड़ते नहीं अगर कोई हाई स्पीड पर है या क्या करके, और कैसे गुरुजी ने बड़े प्यार से, और जैसे ही वो हम लोग वहाँ से निकले तो वो चारों गाड़ियाँ जो थी वो अपना अपना रास्ते जहाँ भी होती सब अपना अपना चले गए। तो इस तरह से सोचिए हमें गुरुजी हर जगह आपको बचाते हैं, बट आपने सिर्फ यही है कि अपना वो जो नाम हमारा मतलब जो गुरुजी का सिमरन है बेसिकली, गुरुजी का जो नाम है जैसे कहते हैं ना साईं बाबा के उधर से भी हमारा चलता है, और हम बचपन से भी हर भगवान का सुनते हैं कि श्रद्धा और सबूरी, तो बेसिकली यही गुरुजी का है कि आपने वो श्रद्धा रखनी है और वो सबूरी रखना है, वो सब्र रखना है, वो पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अभी लगता है कि क्यों नहीं पूरी हो रही। अब जैसे मेरे को एक बार गुरुजी ने कुछ बोला हुआ है, ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए बड़ी परेशान, उस वक्त भी बहुत परेशान थी, आज परेशान कम हूँ लेकिन अभी भी हूँ उस चीज़ को लेकर। लेकिन वो चीज़ गुरुजी ने कुछ बोला, मैं अभी आपको नहीं बता सकती, लेकिन वो जब भी वो चीज़ पूरी होगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू, क्योंकि जब वो गुरुजी ने कुछ बोला है उसके लिए वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो पूरा होगा। तो लेकिन सोचिए वो बात 2004 में मुझे बोली थी और कितने साल हो गए, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने आज ही वो पेशेंस रखे हूँ इस चीज़ के लिए कि नहीं, वो अगर गुरुजी ने कुछ कहा है तो वो ज़रूर वो चीज़ होगी, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट थिंग। तो बस गुरुजी का हर पल अपना शुक्राना रखिए और अपना फेथ बना के रखिए। मतलब मैं बार बार हर बार रिपीट इसलिए करती हूँ, और आई थिंक पूरी संगत भी बार बार रिपीट करती है इसीलिए कि वो बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक वो काफ़ी लोगों ने बना भी रखा है, लेकिन काफ़ी लोग जैसे भी लॉकडाउन का पीरियड हुआ या कुछ है, बहुत लोग बहुत डिप्रेस भी इसमें हुआ है, बहुत लोगों की गड़बड़ी हुई है और काफ़ी चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी इसके बावजूद भी आप अपना प्लीज़ अपना फेथ बना के रखिए, क्योंकि ये फेस भी निकल जाएगा। जैसे गुरुजी ने देखो दिखाया कि मेरे को ड्रीम में दिखाया, और मैंने कई संगत के मुझे सुना भी, मैंने किरण आंटी का भी मैं सुन रही थी, उनको भी ये चीज़ ड्रीम में आई कि आप पाठ करना है आपने, बेसिकली जो हमारे सिमरन है ना हमारा ये पाठ है यही आपको करना है। और आपको ये चीज़ तो अगर हमारा जब ये कलयुग शुरू हुआ था तब तो ये राजा परीक्षित थे, तब भी ये बात तय हो गई थी कि जो ये अब कलयुग शुरू हो गया है तो इसके अंदर जो ये पाठ है आपका यही आपको बचाएगा, यही आपका आपकी रक्षा करेगा।
तो जो भी आपको, जैसे भी आप जिस चीज में बिलीव करते हैं, जो भी आप पाठ करते हैं, गुरुजी ने आपको पाठ बोला हुआ है, वट एवर जो भी है, ये तो हमारे गुरुजी का सबसे बेस्ट पार्ट, हमारे गुरुजी का खुद जय गुरुजी बोलना और गुरुजी का मंत्र जाप, ये तो बेस्ट पार्ट है ही। कुछ नहीं है तो आप सारा दिन इसको बोलते रहिए। मैं सारा दिन, मैंने तो यही कर दिया कि मैं जैसे खाली होती हूँ, खाना बना रही हूँ, कुछ काम कुछ भी मैं कर रही हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप ऑटोमेटिक सब मेरे चलता रहता है। मैं किसी की वेट नहीं करती कि पूजा करूंगी तो मेरे को बोलना है, कुछ करना है तो मेरे को बोलना है, सॉरी कुछ करना है तो मतलब, लेकिन मैं सारा दिन मेरा मन में सब पाठ सब चलता रहता है। तो इस तरह से आप अपना भी गुरुजी के साथ अपना कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन, वो ऐसे ही कनेक्शन बनता है। और गुरुजी का ये है कि गुरुजी ने ये मैंने पहले बताया, मैं आप फिर रिपीट कर देती हूँ कि गुरुजी ने जैसे मेरे को लाइफ दी, गुरुजी ने जैसे मेरे पास सिर्फ जब मेरे को डेंगू हो गया था तो मेरे प्लेटलेट अकाउंट सिर्फ 10,000 रह गए थे। तो डॉक्टर्स ने ही बोल दिया था मेरे हस्बैंड को बुला के कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट है। तो सोचिए कि उस वक्त मेरे हस्बैंड की क्या हालत थी कि मैं, तो उस वक्त क्या था, ऑल्दो बहुत मेरे हस्बैंड के लिए ये करना बड़ा मुश्किल था कि मेरे को आगे कैसे बताएं कि मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं। वो बाहर खड़े हुए थे, किसी डॉक्टर ने उनको देखा कि बाहर कैसे खड़े हो, और कि सर उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि सर मेरी वाइफ ऐसे एडमिट है और डॉक्टर से हैंड्स अप कर लिए हैं। तो वो अंदर आए और कहते हैं कि अच्छा आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा हाँ जी सर मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है। कहते हैं हाँ बोलो जय गुरुजी। मैंने कहा बोलो जय गुरुजी। कहते आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए संगत जी, उस जय गुरुजी बोलने में इतनी ताकत थी कि आज मैं आप लोगों के सामने सत्संग सुना पा रही हूँ। ऑल्दो हम गुरुजी के सामने जय गुरुजी कभी नहीं बोलते थे, लेकिन गुरुजी हालांकि सबको नमस्ते करते थे, लेकिन मेरे को कभी ऐसे हम लोग, मैंने कभी बोला नहीं और गुरुजी ने कभी कुछ कहा नहीं इस बारे में। तो खैर वो सबके अलग अलग चीज़ें हैं, बट अब जैसे जय गुरुजी, क्योंकि हम लोग उनका उनके नाम को बखान कर रहे हैं, तो आई थिंक ये शायद जय गुरुजी ऐसे शुरू हो गया। और फिर गुरुजी जैसे मुझे, मैंने पहले भी वो बताया, कोई ड्रीम में भी बोला कि तीन बार जब भी तू किसी प्रॉब्लम में हो तो तीन बार बोलना जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। तो मैं हमेशा संगत जी यही चीज़ करती रहती हूँ। अब ऐसी एक बार गुरुजी का बताती हूँ। गुरुजी का ना बहुत, गुरुजी हमेशा जोवियल नेचर के होते थे। तो गुरुजी ने जैसे मेरे हस्बैंड के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब क्या बहुत उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनको ठीक से डायग्नोज भी उनका ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो जैसे वो गुरुजी के पास गए तो मैंने कहा आप गुरुजी से पूछ लो कि आपके इतना पेट में दर्द है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर होके पूछूंगा तो क्या लगेगा ना ऐसे। तो मैंने कहा फिर कोई नहीं गुरुजी से पूछ लो। तो जैसे वो गुरुजी के पास गए और गुरुजी से पूछा गुरुजी मेरे ना पेट में बड़ा दर्द है, तो गुरुजी वही कहते हैं खुद तो डॉक्टर है मुझसे पूछ रहा है, हैं? तो हमने तुमसे, उन्होंने गुरुजी की तरफ देखा, कहते हैं हाँ हाँ खुद तो डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। तो गुरुजी तो जान ही जाने, और हम लोग हंस पड़े, मतलब गुरुजी भी हंस पड़े कि मतलब ऐसे, मतलब मजाक के तौर पर उन्होंने बोला कि खुद तो डॉक्टर है इलाज मेरे से पूछ रहा है। तो लेकिन वो गुरुजी को बताने के बाद उनका राइट ट्रीटमेंट उनको मिल गया, उनका वो जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था वो सब कुछ, दवाइयां नहीं मिल पा रही थी वो सब भी मिल गई। तो इस तरह से गुरुजी हंसी मजाक में बड़ा कभी कुछ कुछ बोल देते थे, और गुरुजी का मतलब इतना प्यारा स्माइल करते थे कभी, मतलब देख के तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता था। और हालांकि बड़ा मन करता था सारा गुरुजी से बातें करते रहो। और गुरुजी जैसे मेरे बच्चे अभी कई बार वो होते तो बड़ा खुश होते हैं कि मम्मी चलो हम लोग इतना कम से कम इतना खुश नसीब हैं कि हम लोग गुरुजी के सामने देखो मतलब गुरुजी के हाथों से हम लोगों ने प्रसाद खाया हुआ। गुरुजी तो अपने एक हाथ से देते थे, हमारे दो हाथों में पूरा नहीं पड़ता था। और मेरे बच्चों को याद आ रहा है जब भी छोटे होते थे ना, तो ऑब्वियसली जैसे आपको पता है बच्चों की लड़ाई वड़ाई करते रहते थे, वो उसको मुक्का मारा है वो उसको मुक्का मारा है। सोचिए गुरुजी के सामने भी ना इनका ये सब चलते रहते थे। तो लेकिन सोचिए गुरुजी ने कभी, गुरुजी मुस्कुराते रहते थे और मुझे लगता था बस अभी गुरुजी बोलेंगे भी आ गया चलो हैं बच्चों को यहाँ करो वो करो। तो कई बार उनके सेवादार मेरे को मना कर देते थे कि बच्चों को लेकर नहीं आना, लेकिन मैं जाके गुरुजी से पूछ लिया करती थी। मैंने कहा गुरुजी वो तो मना कर रहे हैं और बच्चों को लाना नहीं, कहते नहीं नहीं ले आया कर। तो सोच रहे हो मतलब कितने प्यार से गुरुजी ने कि हाँ तो ले आया करो। हम गुरुजी के सामने बैठे हुए, फिर कई बार हम बहुत लेट हो जाते थे तो गुरुजी तभी किसी का सत्संग हो रहा था तो वो हम लोग सुन लेते थे। तो काफ़ी तो मैं नहीं सुन पाती थी क्योंकि बच्चे लड़ रहे होते तो मेरा काफ़ी मिस हो जाता था। एक बार डॉक्टर एमपी सिंह अंकल का मैंने पूरा सुना था, तो उसके बाद फिर रात को वो कड़ा प्रसाद आया करता था और हम लोग बड़ा मिस कर रहे थे उसको। मेरे बच्चे बड़ा मिस करते हैं कि मम्मी कैसे वो प्लेट में एक कड़ा प्रसाद आ रहा था और हम लोग चार लोग उसमें खाते थे और रखता था फटाफट हमें ज़्यादा मिल जाए हमें ज़्यादा मिल जाए, फिर चाय प्रसाद आती थी। तो गुरुजी बड़ा मतलब रात को भी अच्छा लगता था, बस हमारा मन नहीं करता था, लेकिन
और कभी गुरुजी ने बहुत इक्का दुक्का मुझे याद होगा कि गुरुजी ने आज्ञा दी हो अपने आप से, लेकिन हालांकि हमें लगता था नहीं गुरुजी हमें बिठाए रखे हैं, और गुरुजी ने वाकई बिठा के रखते थे, और गुरुजी एकदम बुला के एकदम से रैंडमली पूछ रहे थे, और आंटी की कर दी फिर नाम पूछना वो सब कुछ करना। तो मैं कभी मन में सोचती थी गुरुजी को मेरा नाम याद नहीं रहता, कितनी बार मेरा नाम पूछ चुके हैं। तो खैर आने वे फिर एक बार गुरुजी ने मेरा नाम नहीं पूछा तो एकदम से खुद ही कहते, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इसको मन में रहता है कि मेरा नाम याद नहीं रहता। तो एकदम मुझे एकदम से कहते हैं, जब मैं एकदम गुरुजी के पास माथा टेकने गई, गुरुजी कहते हैं और नीलम आंटी। तो आप संगत जी सोचिए कि मैं इतना खुश हुई, मैं कहा गुरुजी ने अपने मुंह से मेरा नाम लिया नीलम आंटी। तो लेकिन मैंने कहा लेकिन बाद में आंटी क्यों बोला, मैं इतनी बड़ी थोड़ी लगती हूँ कि गुरुजी ने आंटी क्यों बोला मेरे को। बट मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मेरा नाम लिया, बट वो मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी आंटी और अंकल बोलते थे वो पहले, क्योंकि मैं पता नहीं था। तो अब गुरुजी का नाम लिया, इसी बात से ना मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि मैं ना मुझे अपना जब मेरी मम्मी ने को मैं अपनी मम्मी को बोला करती थी, मैंने कहा मम्मी मेरे को ना अपना नाम ना नीलम नाम पसंद नहीं है। तो कई बार कैसे हो जाता है ना कि गुरुजी आप मतलब कैसे आपको आंसर करते हैं, कि मैंने कहा मुझे ना नीलम नाम पसंद नहीं है, अपनी मम्मी को बोली थी आपने ना मेरा नाम ए से निकला था एक्चुअली, और मैंने कहा आपने ना किसी और ए से नाम रख देते तो नीलम क्यों रखा। तो खैर ये बात आई गई होगी, मैं भूल भाल गई इस बात को, कोई बात नहीं। तो मैं अभी गंगा आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो वो अपना किसी को बता वो किसी का सत्संग शेयर कर रहे थे कि भाई कैसे कोई किरण आंटी हैं उनको गुरुजी ने नीलम नाम बोला, और कि नहीं नहीं नीलम नाम ही ठीक है। तो सोचिए वो कैसे है, गुरुजी आपको काउंटर कंफर्म करते हैं, और गुरुजी ने जब एक बार मेरा नाम ले दिया कि और नीलम आंटी, तो गुरुजी ने तो वही नाम मेरे को दे दिया ना, नीलम ही नाम मेरा ठीक है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपके हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहते ना आपका हर पल का, ये एक बड़ी बातें थी कि एक मेरे को अपना नीलम नाम अपना बताना था कि मेरा ठीक है कि नहीं है, तो गुरुजी ने वो भी काउंटर कन्फर्म कर दिया कि तेरा नाम मैं एक बार अपने मुंह से बोल चुका हूँ ना, तो यही नाम तेरा कन्फर्म है। अब तो अपना इधर उधर ज्यादा दिमाग मत लगा, मेरा ये नाम ठीक नहीं था वो नाम ठीक नहीं था, तो सब गुरुजी को पता है, गुरुजी ऐसा कुछ नहीं। फिर गुरुजी ने जब हमें जिस दिन मेरे को बोला था कि अपनी सहेली को लेकर आना, और मेरे हस्बैंड को भी बोला था कि अपने फ्रेंड्स को लेकर आना, तो ये डॉक्टर सत्रावल हैं, तो उनको ना लीवर की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ये समझ लो कि डॉक्टर्स ने जवाब ही दे दिया था, और तो वो खुद डॉक्टर हैं और लेकिन उनको लीवर की बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी। तो जब हमें गुरुजी ने ये बात बोला कि भाई मेरे हस्बैंड को बोला था कि अपने फ्रेंड को लेकर आना, तो मुझे ये लगा जब उनकी प्रॉब्लम हमें पता चली, तो हमने उनको ये बोला कि भाई हमें गुरुजी के पास जाते हैं, देख लो अगर आपने वहाँ पे चलना है तो। तो अब क्योंकि देखिए अगर किसी की हालत बहुत ख़राब होती है ना, तो वो फिर इंसान हर इंसान सोचता है कि चलो मतलब जहाँ से हमें कोई इलाज मिल जाए। तो सोचिए हम उनको मेरे हस्बैंड को गुरुजी के पास लेके गए, वहाँ पे उन्होंने लंगर किया, और कहाँ आपको पता है लीवर की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब मोर्टेलिटी रेट उसमें ज़्यादा होता है। तो लंगर करने के बाद देखिए आज तक, ये शायद मेरे ख्याल से 2004 या 2005 की बात है, तब से लेके आज तक वो उनकी जो फ्रेंड है डॉक्टर सत्रावल वो काफ़ी हद तक ठीक हैं, मतलब ही इज़ अलाइव, मतलब अभी भी ठीक हैं वो। और सोचिए कहाँ उस टाइम उनको थोड़ा डाउट डाल दिया गया था कि हो सकता है कि कुछ मतलब गड़बड़ हो जाए उनके साथ। तो सोचिए उनको लंगर प्रसाद कर रहे थे, आई थिंक ये 2 या 3 बार वो गए होंगे, अब तो खैर गुरुजी को भी बहुत मानते हैं, लेकिन उस वक्त वो 2-3 बार गए होंगे कि बीमार बहुत थे वो उन दिनों, और वो लंगर प्रसाद से कितना ठीक हो गए। तो संगत जी मैं कहती हूँ कि जो हमारा गुरुजी का लंगर प्रसाद है ना, देख ली मतलब जो बार बार अनाउंसमेंट होती है वो ऐसे नहीं होती कि गुरुजी का लंगर प्रसाद पूरा खाइए, गुरुजी का लंगर प्रसाद पूरा खाइए, वो वाकई उसके अंदर गुरुजी ने बहुत अपनी ब्लेसिंग्स डाल रखी हैं, उसके अंदर इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि आपकी हर चीज़ आप उसको उस भाव से आप खाइए, गुरुजी आपको वो ठीक करेंगे। और आपने कितने ही सत्संग सुने होंगे, और कितने ही आपने आपके साथ भी चीज़ हुई होगी कि लंगर प्रसाद खाने के बाद आपको कितनी चीज़ें ठीक हो गई। कोशिश करिए, और अगर लंगर प्रसाद आपको पूरा ज़्यादा लग रहा है तो प्लीज़ आप पहले ही मना कर दीजिए जाएँ कि आपको इतना इतना ही खाना है, बट आप कोशिश करिए कि पूरा लंगर प्रसाद खाएं। और उसको आपने फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है, कई लोगों को मैंने देखा कि कई बार लोग फेंक दिया करते थे, लेकिन ये चीज़ बड़ी गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरा जल प्रसाद देने, पूरा जल प्रसाद भी जो आप कई बार हम सत्संग में जाते हैं छोटी छोटी बॉटल्स में आप देखते हैं ना, तो कई बार मैंने देखा कितने लोगों को देखा कि थोड़ा जल प्रसाद लेते हैं, थोड़ा सा होता वहीं छोड़ देते हैं। तो ये आप जो है पूरा जल प्रसाद आपने पूरा ग्रहण करना है, छोड़ना नहीं है। आप जो उस टाइम नहीं पिया जा रहा वो आप घर ले आइए, आप घर ले आइए। और वैसे भी अगर मैं आपको एक चीज़ और बोल दूँ यहाँ पे थोड़ा सा अलग, कि वैसे भी अगर आप देखिए आप नॉर्मल वे में कहीं किसी फंक्शन में या कहीं पर भी जाते हो,
अगर कोई बॉटल्स आपके पास है, जल प्रसाद आपका बच गया है, तो प्लीज वहां से उठा लीजिए, चाहे उसको डाल के आप किसी पौधे में आप डाल दीजिए, लेकिन आप पानी मत वेस्ट करिए। देखिए बिस्लरी का वो पानी है, बहुत इजीली पानी नहीं बनता, बहुत हर चीज के लिए मेहनत चाहिए होती है। खैर एनीवे, तो उसके बाद ये चीज हमारा गुरुजी ने, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं जो गुरुजी ने हमें सिखाई हैं, एक प्लेट में खाना छोड़ना नहीं है, ये गुरुजी की टीचिंग्स है बेसिकली। तो वही वाली बात है कि गुरुजी को मान रहे हो, गुरुजी के भी मानो, गुरुजी की जितनी चीजें हैं, क्योंकि गुरुजी ने देखो हमें कभी वहम में नहीं रखा, कभी किसी चीज में नहीं रखा। ऐसे हमारे गुरुजी और ही कहाँ चीजें, हमारे कहीं और चीजें नहीं है ऐसी, हर कहीं ना कहीं किसी भी आप कहीं जाते हो ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, कितने धर्मों में कितनी कितनी अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन हमारे गुरुजी में तो गुरुजी कहते हैं ऐश करो। और ऐश करने का ये मतलब नहीं कि आप अपने पास जो है वो उड़ा दो या कुछ करके, भी जो आपके पास है उसमें आप खुश रहना सीखो, जो भी आपको मालिक ने दिया है, जो भी आपके पास चीजें हैं आप उसको रखो, मतलब उसी में आप खुश रहो। और ऐसी अब गुरुजी ने देखो, मेरा एक बार क्या हुआ कि मेरे को जब मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाया तो ब्लड टेस्ट में मेरे को निकला हाइपोथायरॉयडिज्म, तो और प्लस मेरे को टॉन्सिल्स हुए थे। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करती हूँ कि ये चीज़ वाकई चीज़ हुई है, और क्योंकि वो विश्वास था, वो एक वो शायद वो गुरुजी ने जो लंगर करवाया हमें अपने सामने बैठ के, शायद उस चीज़ का ही नतीजा था ये, कि जब मेरे को हाइपोथायरॉयडिज्म निकला तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना आज गुरुजी को रिपोर्ट दिखा देना। तो मैं जब गुरुजी को रिपोर्ट दिखाने गई तो गुरुजी ने एक रिपोर्ट तो देखी नहीं, तो मुझे ही लग रहा था मैंने गुरुजी ने रिपोर्ट तो देखी नहीं है। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने फिर बड़ी, क्योंकि मेरी आवाज़ तो निकलती नहीं थी, वो टॉन्सिल्स थे मेरे, मैंने जितनी मेरी आवाज़ थी मैंने बहुत जोर से बोला सॉरी गुरुजी हाइपोथायरॉयडिज्म। गुरुजी ने कहा कि, फिर मैंने उतनी जोर से बोला, उतनी जोर से मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायरॉयडिज्म, तो गुरु कहते जा। तो मैं बड़ा हैरान हुई, मैंने कहा गुरुजी ने कुछ ना उपाय बताया ना कुछ बताया, मतलब ऐसे कैसे जा बोल दिया। तो मैंने वहाँ सेवादार अंकल खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल गुरुजी ने कुछ बताया नहीं मेरे को, तो गुरुजी ने तो कुछ बताया नहीं मेरे को। तो कहते हैं गुरुजी ने क्या बोला, मैंने कहा गुरुजी ने बस ये बोला जा। तो गुरुजी तो कहते हैं हाँ आंटी, तो उन्होंने बोला बीमारी जा। तो सोची संगत जी, तब से लेके आज तक मैं हर 6 महीने में अपना टेस्ट करवाती हूँ, मुझे कोई हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत टचवुड गुरुजी, और आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे को इतना ठीक रखा हुआ है। और गुरुजी बस ऐसे ठीक रखना, पूरी संगत को मैं फिर कहती हूँ ठीक रखना, ऐसे आपके गुणगान करते हैं मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए। मैं तो हर जगह ये बात बोलती हूँ कि इसी तरह से आपका बस ये वक्त ऐसे ही पास होता रहे, क्योंकि गुरुजी का गुणगान करना मुझे तो लगता है सबसे खूबसूरत वक्त मेरे को अपनी जिंदगी में यही लगता है कि गुरुजी के बारे में मैं सारा दिन यही बोलती रहूं। जैसे पहले हम पुराना पढ़ते भी था कि भगवान का सिमरन करते रहो, तो ये बेसिकली जब भगवान का बखान कर रहे हो, भगवान की महिमा गा रहे हो, तो वो भी उनका नाम लेना ही है, तो उन्हीं की दया कृपा है, उन्हीं के सब कुछ है। और जिस वजह से मतलब ये एक माहौल, खुशनुमा माहौल गुरुजी बना देते हैं। और अभी भी देखो एक छोटी छोटी बातें से कहते हैं ना गुरुजी सुनते हैं। अभी क्या हुआ कि मेरे को ना, मैं जब सत्संग कर रही थी ना, तो अपने बेटे के बारे में कुछ बता रही थी सत्संग के अंदर, तो मेरा बेटा मुझे बाद में कहता है कि नहीं मम्मी, आप तो ना, आप तो गलत बोल रहे थे, आप ये बात ऐसे नहीं थी है, आप तो ना झूठ बोल रहे थे। तो अब सोचिए मेरे को इतना बुरा लगा, मैंने कहा बता मैं सत्संग में झूठ क्यों बोलूंगी। तो कहता है कि नहीं ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे नहीं थी। मैंने कहा मिनाल वो बात ऐसे ही हुई थी, कोई बात थी तो वो ऐसे ही हुई थी। और वो बात ये थी संगत जी कि एक्चुअली उसको विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ऐसा किया था, लेकिन वो बात सच है, वो ऐसे ही हुई थी। हुआ यह था कि जब ये बाइक चला रहा था तो उसकी बाइक पे इसकी बाइक टक्कर मार दी थी किसी ने, इसने हमें बताया नहीं, नई नई बाइक ली थी, और ये टक्कर खा के ये अपना घर आ गया। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने उसको बचा लिया, लेकिन इसने हमें नहीं बताया कि इसको टक्कर लगी है। तो जब इसकी बैकिक हुआ स्टार्ट, और जब वो बैकिक कैसे हुआ, क्यों हुआ भाई, अचानक से ऐसे कैसे हो जाएगा बैकिक, तो वो जब इसने बताया, और बताना तो था इसको कि ऐसे ऐसे मतलब लग गई मेरे को, और मैं बाइक से गिर गया था, ऐसे ऐसे बात है। तो उसके बाद ना डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बता दिया था कि शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सा जगह से थी जो नर्व बची थी, कि अगर जरा सी इधर से उधर हो गए ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो मे भी शायद हो सकता है ऑपरेशन कराना पड़े। सोचिए कि इतने यंग बच्चे का अगर ऑपरेशन बता दें, तो सोचिए मेरा क्या हाल हुआ होगा। और मैंने कहा गुरुजी ये तो आपकी मर्जी से हमने सब कुछ लिया, बाइक ली, सब कुछ आप लिया, और आपने तो इस बच्चे को इतना ब्लेस कर रखा है, तो गुरुजी ऐसे कैसे। तो संगत जी मैं ना उस दिन अंपायर सीट गई, मैं अंपायर सीट गई, तो मैं ना सुधा आंटी खड़े हुए थे, तो मैं सुधा आंटी को ना बोलने लगी, मैंने कहा आंटी सॉरी
कि आंटी वो ऐसे ही पूछने लगे नॉर्मली, और बच्चे सब ठीक है सब कुछ करके। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो मैंने कहा नहीं आंटी, एक्चुअली ना वैसे सब ठीक है, बेटे को ना ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है थोड़ा सा। तो कहती है ओ अच्छा अच्छा। तो फिर एकदम से वो कहती है, मैंने पता नहीं शायद मैंने ही बोला आंटी प्रसाद मिल जाएगा, या उन्होंने कहा, तो उन्होंने ना अपने हाथों से प्रसाद दिया कि बेटे को दे देना। तो ऐसे मैं 3 मंडे में एम्पायर से जाती रही, और 3 मंडे वो मेरे को प्रसाद देती रही। तो ये बात बेटे को शायद नहीं ध्यान थी, तो ये जैसे मैं शेयर कर रही थी तो उसको लगा कि ऐसे ऐसे तो कभी हुआ नहीं कि सुधा आंटी की वो आपको प्रसाद देंगी और ऐसे कैसे वो करके। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे हुआ है। तो ना मेरे को बाद में ऐसा लगा, मैंने कहा गुरुजी सच में ऐसे ही हुआ था ना कहीं, मतलब इतना कि बेटा ऐसे बोल रहा है और मैं, लेकिन मैं झूठ थोड़ी बोला इसमें, मैं तो ये तो बात तो सच है। लेकिन मुझे बड़ा फील हुआ कि मेरे बेटे ने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो मैंने ना मन में कहा, मैंने कहा नहीं गुरुजी अगर तो आपको लगता है ना मैं सच बोल रही हूँ, मतलब क्योंकि मैं तो सच तो बोल ही रही हूँ, लेकिन अगर आपको सच बोल रही हूँ ना, तो अगर मेरे को ना कहीं से भी सत्संग का मतलब आपका सत्संग जो आप मतलब सत्संग शेयरिंग का इनविटेशन आएगा, तो अब इसका मतलब ये है। हालांकि वैसे तो लोग इतना मतलब इनविटेशन होता रहा, लेकिन काफ़ी टाइम से ये हो रहा था कि मैं, क्योंकि बेटी के भी एग्जाम थे तो मैं कहीं बहुत ज़्यादा कुछ उस तरह से एक्टिव नहीं थी। तो लेकिन मैंने कहा नहीं गुरुजी अगर ऐसी बात है ना, तो अगर तो मेरे को कहीं से इन्विटेशन आ जाता है सत्संग करने का, तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब सोचिए कि ना मेरे को वो जिस दिन मैं सोच के सोई उस दिन मेरे को नहीं आया, लेकिन मुझे ड्रीम में क्या आता है, मेरे को ड्रीम में क्या आता है कि बहुत बड़े लेवल का कोई गुरुजी का सत्संग हो रहा है, मंदिर की तरफ से हो रहा है वो। और उस सत्संग के अंदर मेरे को बोला गया है कि आंटी आप सत्संग शेयर करो। तो मैं वो अपना BDS वाला सत्संग है मैं वो शेयर कर रही हूँ, मेरे को बड़ा क्लियरली वो दिखाई दिया। और सोचिए कि मेरे को फिर मैंने घर में सुबह उठ के बताया कि मैंने कहा कि मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा देख गुरुजी ने तो मेरे को ड्रीम में दिखा दिया कि वो सत्संग शेयर करवा रहे हैं, इसका मतलब मैं ठीक थी, मेरे को ना ऐसे मत बोला कर, मेरे को बड़ा फील हुआ है तेरी बात का। तो कहते हैं उसने शायद बोला, फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा कि चलो वो तो ड्रीम था, शायद मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, लेकिन एक्चुअल में तो सत्संग शेयरिंग के लिए कहीं से नहीं आया। तो सोचिए संगत जी अभी मैं सोच ही रही हूँ, इधर से रीडिंग ऑफ शिव पुराण से आ गया, उसके बाद यहाँ अंजलि आंटी का आ गया, उसके बाद मेरे को अमृत वेला का सत्संग का वो आ गया कि आंटी आपने 5 मिनट के लिए शेयर करना है। उधर से एक आबूधाबी की संगत का आ गया, कैलिफोर्निया संगत का आ गया। तो सोचिए मतलब जैसे गुरुजी ने लाइन ही लगा दी हो कि आप तो सत्संग की बात कर रही है, मतलब एक छोटी सी बात थी कि मतलब मुझे बड़ा फील हुआ कि मेरे को ऐसा क्यों बोला, अगर मैं ठीक हूँ गुरुजी तो मैं आपके सत्संग शेयर कर पाऊँ, मुझे मतलब क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सच बोलना। तो मेरे अपने अपने बेटे को मैंने बोला, हालांकि उसको फिर रियलाइज भी हुआ कि नहीं मतलब मुझे ऐसा नहीं, कहता नहीं मेरे को मम्मी ये बात पता नहीं थी। तो मैंने कहा क्योंकि संगत जी बात फैक्ट है, आपको जब तक किसी के बारे में कुछ पूरा पता ना हो तो प्लीज़ हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। अरे बेटे को मैंने यही सीख दी कि मैंने बेटा जब तक आपको पता ना हो, आपको तो कितनी चीज़ें ऐसे नहीं पता कि जो गुरुजी ने हमारे साथ मतलब की हैं, और क्योंकि आप तो अपने रूम में रहते हो या इतना पढ़ाई में रहते हो कहाँ चीज़ें पता होती हैं। पर मेरा यहाँ ये बताने का मतलब है कि कैसे गुरुजी ने मेरे को उस बात का भी आंसर कर दिया कि देख तू यहाँ ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ कोई गलत नहीं हूँ। तो ये चीज़ मेरा कहने का मतलब है कि गुरुजी हमें हर पल हमें हर चीज़ का आंसर करते हैं, बस अगर आप उनसे बहुत उस श्रद्धा भाव से आप जुड़े हुए हो और आप उस श्रद्धा भाव से उनसे पूछ रहे हो। क्योंकि जब गुरुजी बिना पेट्रोल की गाड़ी चला सकते हैं, बिना कितनी सब चीज़ों के वो सब चीज़ें हो सकती हैं, तो गुरुजी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और अब तक जो आई थिंक पूरी दुनिया भी इस बात को जान चुकी है कि गुरुजी के लिए कहीं कुछ भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, गुरुजी चाहें तो सेकंड्स में वो चीज़ कर सकते हैं। बट अगर गुरुजी नहीं कर रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी सम रीज़न। और यही नहीं कि गुरुजी आपको उस बात का आंसर भी करते हैं हर चीज़ का। आंटी बस अभी आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर, शुड आई कंटिन्यू आंटी? आई थिंक मे बी नेक्स्ट टाइम। तो जब तक आंसर आता है तब तक मैं एक छोटा सा और शेयर कर देती हूँ कि मेरे को ना सीवियर क्या हुआ कि मेरे को ना डांस करने का बहुत शौक था, बहुत शौक बचपन से बहुत शौक था, लेकिन मैं कभी डांस कर नहीं पाई क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को हमेशा बहुत पढ़ाई में लगाए रखती थी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मतलब उनका एजुकेशन का बहुत रहता था कि पहले एजुकेशन है, ये सब चीज़ें बाद में सीख लेना, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं बहुत अपना पढ़ाई पे ध्यान देती थी, और फिर जब मैं बड़ी हुई थी तो फिर तभी मैं डांस नहीं कर पाई मैं, और क्योंकि जब तक बड़े होते तो फिर कैरियर चूज करने का टाइम आ जाता है। तो एज आई वॉन्टेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो वहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं है आपका कि कुछ आपको और कोई काम ही कर लो, अपनी हॉबीज़ को पूरा कर लो, मतलब ही नहीं है आपका। तो डांस वांस वैसे ही
वो चीज़ नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो केरानी पे तो मेरी मम्मी ने मेरे को ये समझाया कि देख तेरे को ग्रेजुएशन तो करनी है ना, तो यहाँ तेरे को साल डेढ़ साल फालतू लगेगा डॉक्टर बनने में, और तेरी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, और तू अगर तू आईएएस बनी तो एक डॉक्टर और आईएएस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए डॉक्टर बन जाती हूँ, मैं तो आईएएस बन जाऊंगी। और तो मैं नहीं बन पाई, मैंने बहुत कोशिश की। तो अच्छा संगत जी, ये चीज़ मैं आज मैं हमेशा बताना भूल जाती हूँ, बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे दिमाग में ना वैसे तो ये रहता था कि कम्युनिटी को हेल्प करना है, क्योंकि मेरी मम्मी को देखती थी, तो मुझे लगता था नहीं देश की सेवा करनी है, कम्युनिटी को बहुत हेल्प करना है। तो मुझे लगता था नहीं आई एस एक ऐसी चीज़ है जो जिसके अंडर में बहुत सब चीज़ें होती हैं, आप देश को बदल सकते हो या आप सोसाइटी को बदल सकते हो। एक तो मेरा वो था, और दूसरा ना मुझे सच में एक ये मैंने कभी कभी शेयर नहीं किया, मैं आज कर रही हूँ शेयर। और देखो वो गुरु जी कैसे आपकी चीज़ पूरी करते हैं। एक मेरे मन में ये था कि मैंने कहा जो भी है ना, एक आई एस लोगों को ना बड़ा घर मिलता है, क्या उनके लॉन होते हैं, क्या बड़े बड़े सरकारी घर होते हैं। मेरे को वो ना बहुत अट्रैक्ट करता था ये चीज़ आईएएस लोगों की एक्चुअली। तो मैंने कहा अगर मैं आईएएस बन गई ना, तो मेरा भी ऐसे बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़ा लॉन होगा, और सरकारी घर मिलेगा इस तरह से करके। मैं इसी मेरे मन में ही ख्याल आता था कभी कभी, बट खैर आईएएस वैसे ही बनना था, मतलब जो अपना कैरियर चूज़ किया हुआ था। खैर एनीवे, तो आप सोचिए मैं आईएएस तो बन नहीं पाई, लेकिन गुरु जी की कृपा देखिए आप कि आज मैं जिस घर में रह रही हूँ, ये आईएएस पूल का मकान है, वही बड़ा घर जो कभी मैंने सोचा था बचपन में, वही बड़ा लॉन जैसा मैं कभी सोचती थी। तो ये और ये भी घर जो हमें मिला है, ये भी गुरुजी की कृपा से हमें मिला है, नहीं तो ये बिना गुरुजी की कृपा से तो मिल ही नहीं सकता था। तो गुरुजी ना हर वक्त आपका हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बता रही थी, हाँ अपना डांस का बता रही थी मैं, कि जब मेरे को डांस का जैसे शौक था, मैंने बताया कि मैं नहीं कर पा रही थी। तो अब लेकिन जब मैंने डांस सीखना शुरू किया, जब मेरे बच्चे थोड़े मतलब छोटे थे, मतलब थोड़े और बड़े हुए, जब वो डांस वगैरह पेरेंट्स डाल देते हैं, तो मैंने अपने डॉक्टर को भी डाल दिया था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे मदर्स भी सीख रही हैं कथक, तो आई जॉइन कथक देयर। जब मैंने कथक वहाँ पे शुरू किया, तो थोड़े टाइम के बाद मेरे बैकिक स्टार्ट हो गया, बहुत सीवियर बैकिक था मेरा। इट वॉज सो सीवियर कि डॉक्टर्स ने मेरे को ये कह दिया कि आप ना मतलब आपके लिए चलना भी मुश्किल है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मेरे डांस, कहते हैं अब वो हंस पड़े, कहते हैं आप डांस की बात कर रहे हो, आपके लिए तो चलना ही मुश्किल है, तो आपको तो टोटल बेड रेस्ट चाहिए आपको। तो मेरे को ना वहाँ बेड रेस्ट के लिए बोल दिया गया, और उन्हें ये मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं पेशेंट कैसे देखूंगी, तो कहने लगा कि पेशेंट का तो आपका ऐसा है कि आप पेशेंट देखो, बेड पर लेटो, और आपने बैठना नहीं है आपने। तो इट वॉज सो सीवियर कि मेरे को मेरा वो इतना ज़्यादा मेरे पास मतलब सीवियरिटी बहुत ज़्यादा मतलब थी उसकी। तो सोचिए अगर डॉक्टर्स मेरे को मना कर रहे हैं कि आपको चलना भी मुश्किल है आपका, कि आपका काम भी भूल जाओ, डांस तो बिल्कुल ही भूल जाओ, आप डांस तो आपने करना ही नहीं है, कि जिंदगी में चल पाओ ये भी यही गनीमत है। तो सोचिए जहाँ मेरा चलना मेरा मुश्किल था, वह डांस तो मैं भूल गई, मैंने डांस वांस सब छोड़ दिया। लेकिन सोचिए मैं कितना मेरे को लगता था, मेरा एक मेरी बचपन की हॉबी थी, आज वो पूरा करने का टाइम आया, तो मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ, कि चलो अब तो पढ़ाइयाँ भी खत्म हो गई, सब कुछ ठीक है। खैर एनी वे, अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करते थे, गुरुजी के जब बड़े मंदिर जाया करते थे, तो सभी जानते कि बड़े मंदिर पे या कोई बड़ा फंक्शन होता था, गुरुजी हमेशा डांस करवाया करते थे। तो मैं अब वहाँ डांस करती नहीं थी, तो क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को तो बैक ही गया, प्लस डॉक्टर्स ने बोला कि डांस तो करना नहीं है। और अब क्या हुआ कि 2005 की मतलब 2006 की न्यू ईयर ईव 2005 का जो इवनिंग है 31 दिसंबर, तो जब हम लोग वहाँ पे मंदिर में थे, तो उस वक्त हम बड़े हॉल में थे, तो बड़े हॉल में मैं जो आप अगर बड़े हॉल में आप एंटर करते हो, तो राइट हैंड साइड पे जो विंडो है, मैं वहाँ खड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी सब खड़े हो जाएंगे, सब डांस शुरू हो जाएगा, और धक्का मुक्की में अगर मेरे को किसी ने धक्का मार दिया, तो मेरे वैसे मेरे बैक की प्रॉब्लम है, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं दूर जाके खड़ी हो गई, बच्चे मेरे साथ थे, मेरी फ्रेंड थी, और हम लोग दूर जाके खड़े हो गए। तो जब हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, तो जैसे ही 12 बजे तो वहाँ डांस स्टार्ट हो गया। जब डांस स्टार्ट हुआ, तो सोचिए सब डांस कर रहे हैं और मैं सिर्फ क्लैप कर रही हूँ, मतलब कि और बहुत नॉर्मल लेवल से ऐसे ही कर रही हूँ कि भाई नए साल का स्वागत कर रहे हैं हम लोग। तो सोचिए गुरुजी ने, क्योंकि मेरे को ठीक करना था, गुरुजी तो कैसे चीज़ें करते हैं कि गुरुजी ने जहाँ गुरुजी का सिंहासन है, और सोचिए जो आप विंडो है वहां से, और गुरुजी और मेरे बीच में एक पूरी ऐसी लाइन सी बन जाती है जहाँ गुरुजी मुझे देख पा रहे हो, मैं गुरुजी को देख पा रही हूँ, और गुरुजी मुझे देखते हैं और मुझे ना इशारे से ऐसे बुलाते हैं। तो जब गुरुजी ने इशारे से मुझे बुलाया, तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे बुलाया है। तो मैंने आसपास देखा,
तो फिर गुरुजी ने मुझे देखा कि ऐसे इशारे से बुलाया कि इत्थे आ, मतलब। तो मैंने कहा गुरुजी मैं, गुरुजी कहते हैं ऐसे माथा पीटते हो ना कि हाँ। तो मेरे को लगा मतलब क्योंकि गुरुजी मेरे को इशारे से ये बोल रहे थे कि यहाँ आ और डांस कर, वहां क्यों खड़ी है मतलब। और मैं कह रही हूँ बार बार मैं, और सोची इतनी भीड़ के अंदर गुरुजी और मैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं, कैसे एक बिल्कुल सीधी लाइन बन जाती है और हम गुरुजी और मैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे बुलाया, जब गुरुजी ने मुझे बुलाया संगत जी मैं बिल्कुल भूल गई कि मेरे को कोई बैकएक भी है या मेरे को कोई प्रॉब्लम भी है। और मैंने वो इतना दौड़ के गई मैं तो गुरुजी के पास, और इतना मैंने डांस किया गुरुजी के आगे, इतना मैंने डांस किया गुरुजी के आगे। और आजकल वो देखिए सोचिए कि वो मतलब कैसे ना, वो आजकल वो वीडियो भी बड़ी मतलब मुझे नहीं पता था, मेरे को किसी संगत ने भेजी कि देखो। और मेरे को लगा मेरे बेटे ने पहचाना कि मम्मी ये तो आप लग रहे हो, मैं तो अपने बेटे को पहचाना बेसिकली, उसने कहा उसने मेरे को पहचाना। और तो वो जो ग्रीन सूट के अंदर है और उसमें आप अगर आप देखो तो कितना भीड़ है उसके अंदर, और गुरुजी के पास ही मैं कितना डांस कर रही हूँ। वो तो बाद में लोगों ने आज्ञा लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले हम लोग बिल्कुल गुरुजी के सामने जाके मैं डांस कर रही थी। बहुत डांस किया मैंने, बहुत डांस किया। सोचिए वो तब से लेके अब तक वो कहाँ पर मेरा बैकिक चला गया, कहाँ पे क्या है आई डोंट नो। और उसके बाद सोचिए मैं आज जुम्बा कर सकती हूँ, बॉलीवुड या सेमी क्लासिकल डांस मैंने ज्वाइन की हुई है वो मैं कर लेती हूँ, मैंने ग्रुप परफॉर्मेंस स्टेज परफॉर्मेंस मैंने कर रखे हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना। हर किसी को आप ऐसी हेल्थ दीजिए, हर किसी को आप लाइफ दीजिए, जैसे गुरुजी बोलते थे पहले लाइफ मांगो फिर हेल्थ मांगो, बाकी वो चीज़ बाकी सब करने वाले होंगे, क्योंकि आपके पास ये दो चीज़ें होंगी तो आप इस लाइफ को इन्जॉय कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत शुक्राना गुरुजी का, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो इसी के साथ जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।